रतलाम के प्रभारी मंत्री विजय शाह का बड़ा बयान सामने आया है। स्कूलों में अब यस सर यस मैडम नहीं चलेगा, बच्चों को अब जय हिंद बोलना होगा। विजय शाह ने कहा बच्चों के भीतर देश प्रेम की भावना इससे आएगी। निजी और सरकारी सभी स्कूलों को ये आदेश मानना होगा। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, ये करीब करीब 6 साल पहले भी इसी तरह का एक बयान विजय शाह ने दिया था और तब भी उन्होंने यही बात कही थी। और अब एक बार फिर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब रोल कॉल होगा, बच्चों की हाजिरी लगाई जाएगी, तो बच्चों का नाम पुकारे जाने पर यस सर या यस मैम नहीं बोलना है, जय हिंद बोलना चाहिए। इससे बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत होगी, ये विजय शाह का मानना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि करीब करीब आपसे 6 साल पहले 2018 के आसपास भी चुनाव से पहले ये एक इस तरह का बयान विजय शाह ने दिया था और अब एक बार फिर वो यही बयान दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि बच्चों को जय हिंद बोलना चाहिए। हर स्कूल में जय हिंद बोलें। जय हिंद बोलने से देशभक्ति के जज्बा पैदा होता है। यस मैडम यस सर से क्या होता है, वो आदेश हमने जारी कर दिए हैं, कॉपी है आपको निकलवा लीजिए। 6वीं से 12वीं तक के स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो गवर्नमेंट के हो, जनगणमन अनिवार्य होगा, झंडा वंदन होगा, बच्चे रोटेशन में बैठेंगे, ये आदेश हमने कर दिए हैं। उसका सख्ती से पालन सुरक्षा की जवाबदारी कराने की, 1वीं से 5वीं तक झंडा वंदन की अनिवार्यता को हम बात कर रहे हैं, लेकिन रोटेशन और जय हिंद तो 1ली क्लास से भी होगा, उसकी आप चिंता कर लें। हम बयान नहीं देते हैं, हम आदेश देते हैं। तो विजय शाह कह रहे हैं बयान नहीं देते हैं, आदेश देते हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी साजिद खान इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साजिद, अच्छी बात है, लेकिन 6-7 साल पहले मुझे याद आ रहा है इस तरह की बात पहले भी की थी विजय शाह ने कि रोल कॉल के दौरान बच्चों को जय हिंद बोलना चाहिए। जी बिल्कुल आसिफ, बताना चाहेंगे कि आज जो है विजय शाह रतलाम प्रभारी मंत्री हैं, पहली बार रतलाम ये आज पहुंचे थे और उस दौरान इन्होंने जो है कार्यकर्ताओं से बात करते हुए बड़ा बयान दिया था। हमने भी जब इनसे बात की तो हमने भी इनसे यही सवाल किया कि क्या यह बयान ही है या फिर इसको जो है कुछ आदेश भी आएगा। तो उन्होंने यही बात कही है कि हम जो है इस पे आदेश लगभग आ गया है और कुछ देर में आपके पास पहुंच भी जाएगा। लेकिन आसिफ, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हाल में ही अभी जो है मोहन सरकार ने जो है एक आदेश निकाला था जो तमाम स्कूल संस्थान को लेकर के था, अब उसके बाद ये आया है और इसमें ये भी विजय शाह कहते नजर आ रहे हैं कि जो मॉनिटरिंग है, अब बच्चे जो हैं वह स्कूल में यस सर नहीं बोलेंगे, अब जय हिंद होगा। और उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो है तमाम जो प्रदेश में जो कलेक्टर हैं वह इसकी निगरानी करेंगे और देखेंगे कि जो मंत्री का आदेश है उस पे पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर के अब यस सर नो सर नहीं होगा, अब जय हिंद सर होगा। आसिफ जी, बहुत शुक्रिया आपका साजिद इस तमाम जानकारी के लिए। और कुंवर विजय शाह ने क्या कहा है आपको फिर सुनवाते हैं। स्कूल में जय हिंद बोले, जय हिंद बोलने से देशभक्ति के जज्बा पैदा होता है। यस मैडम यस सर से क्या होता है, वो आदेश हमने जारी कर दिए हैं, कॉपी है आपको निकलवा लीजिए। 6वीं से 12वीं तक के स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो गवर्नमेंट के हो, जनगणमन अनिवार्य होगा, झंडा वंदन होगा, बच्चे रोटेशन में बैठेंगे, ये आदेश हमने कर दिए हैं। उसका सख्ती से पालन सुरक्षा की जवाबदारी कराने की, 1ली से 5वीं तक झंडा वंदन की अनिवार्यता को हम बात कर रहे हैं, लेकिन रोटेशन और जय हिंद तो 1ली क्लास से भी होगा, उसकी आप चिंता कर लें। हम बयान नहीं देते हैं, हम आदेश देते हैं।